आज तो हम बात करेंगे मिनिमम पॉइंट एक ऐसे फंक्शन के ऊपर जो कि जोबल है जो differentiable है, जो कि है 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 यानी जिसकी वो पे ठीक है अभी आप देखें इस गिवन फंक्शन का जो फंक्शन है y इज इक्टू एफ एफ एक्स इक्टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्सर प्लस फोर और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट किया जा सकता है ये इसका ग्राफ शो कर रहे ठीक है अब हम देखते हैं जी के हमें समझ आती है जी के

वो आइडिया जनरेट किया जा सके कि जिसके थ्रू आप विदाउट यूजिंग ग्राफ आप इसको बता सकते हैं कि किन पॉइंट्स के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम है देखें जिन पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मिनिमम यहां पर लिख देता हूं आर मैक्सिमम रिलेटिव मैक्सिमम एंड आर मिनिमम रिलेटिव एम आई एन आर मिनिमम रिलेटिव मिनिमम ठीक है अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग सी बात है देखें जब तक आप जब आप लेफ्ट साइड से लेफ्ट से राइट right पे अप्रोच करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी थ्रू आउट स्लोप क्या है वो इनक्रीजिंग है स्लोप क्या है इंक्रीजिंग है यहां पे मैं चलें डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं अब चले हम यहां पे hmm, कौन सा कलर यूज कर लें नो आप ऐसा करें चले ये कलर यूज कर लेते हैं डार्क ग्रीन कलर सा ठीक है यहां पे स्लोप आपकी क्या है थ्रू आउट क्या है पॉजिटिव है ठीक है यानी इनक्रीसिंग है पॉजिटिव स्लोप है ठीक है यहां पे स्लोप पॉजिटिव है ठीक है लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट को क्रॉस करते हैं आपकी स्लोप क्या हो जाती है नेगेटिव स्लोप क्या हो जाती है नेगेटिव स्लोप बेसिकली एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं उस गिवन कर्व के ऊपर स्लोप क्या हो जाती है नेगेटिव ठीक है इसका मतलब है जो पॉइंट आपका मैक्सिमम है उसकी स्लोप अगर आप लेफ्ट साइड से मूव करें ठीक है लेफ्ट साइड से मूव करते हैं लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड लेफ्ट टू राइट ठीक है स्लोप लेफ्ट टू राइट स्लोप उसकी क्या है स्लोप उसकी चेंज होती है फ्रॉम फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जिसकी स्लोप जो है वो स्विच करेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वो जो पॉइंट होगा वो होगा आपका रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम के अंदर देखें यानी अगर आप इस पॉइंट को स्टडी करें तो ये यह, यहां पे स्लोप क्या है नेगेटिव स्लोप क्या है नेगेटिव यहां से अगर आप देखें तो स्लोप है नेगेटिव ठीक है ठीक है स्लोप है नेगेटिव लेकिन यहां पे जब आप इस पॉइंट को क्रॉस करते हैं स्लोप अब की हो जाती है पॉजिटिव स्लोप क्या हो जाती है पॉजिटिव इसका मतलब है इसका मतलब है दिस इसको तो हमने बोला दिस इज मैक्सिमम पॉइंट ठीक है आर मैक्सिमम रिलेटिव मैक्सिमम ठीक है लेकिन जब आपकी आपकी स्लोप की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड पे फ्रॉम फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव तो उस केस में वो जो गिवन क्रिटिकल पॉइंट बिकॉज दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट जो गिवन क्रिटिकल पॉइंट होगा दिस पॉइंट इज कॉल्ड रिलेटिव मिनिमम दिस पॉइंट इज कॉल्ड रिलेटिव मिनिमम ठीक है अब ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है अब अगर आप ग्राफ को ना भी देखें फिर भी हम यहां से इसको स्टडी कर सकते हैं बिकॉज हमें ये पता है कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे जो जो है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे कि स्लोप है बिकॉज हर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर स्लोप जो है वो या हर जो रिलेटिव एक्सट्रीमस है वहां पर स्लोप अनडिफाइंड होती है या जीरो होती है अब अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूं विच मीन के एफ प्राइम ऑफ एक्स

हमने वो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम सपोज करेंगे कि लेट से प्राइम ऑफ अगर ये 0 के इक्वल पुट कर दें आप अगर हम इसको चले मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करूंगा अगर मैं इसको जीरो के इक्वल पुट कर दूं इफ दूफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस सिक्स एक्स इक्वल हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो के इक्वल ठीक है अच्छा अब आप थ्री एक्स कॉमन ले लें तो यहां पर एक्स माइनस टू एक्स माइनस टूल टू इज इक्वल टू जीरो आ आपके पास गई ठीक है और एक एक्स इज इक्वल टू टू एक क्रिटिकल वैल्यू आपके पास ये आ गई, इसका मतलब दो क्रिटिकल वैल्यू जो हमारे पास आ रही है जहां पे हमें रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम मिल सकता है वो हमारे पास मौजूद है ठीक है अब हम मैथमेटिकली कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए मैंने आपसे बात की ग्राफिकली जब हमने देखा कि अगर आप स्लाइटली राइट साइड पे अगर हम यानी इस गिवन स्लोप को अगर हम जीरो प्लस सम सर्टन वैल्यू जो कि मैं एप्सिलॉन सपोज एप्सिलॉन इज ग्रेटर वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू पहले मैं जीरो माइनस इन माइनस एप्सिलॉन मीन के जीरो से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ठीक है यानी अगर आप इस पॉइंट पे स्लो फाइंड आउट करें और अगर यहां पे स्लोप आपकी आती है लेट से पॉजिटिव और आप इस पॉइंट पे स्लो फाइंड आउट करते हैं स्लोप आपके पास आती है नेगेटिव तो दैट मींस का जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा रिलेटिव मैक्सिमम ठीक है अभी चीज को स्टडी करने के लिए हमने सपोज किया जी ई वेरी स्मॉल नंबर है वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर तो इसका मतलब है कि जब मैं एक दफा बिकॉज एक हमने जीरो पे चेक करना तो जीरो माइनस एप्सिलॉन और जीरो प्लस एप्सिलॉन के ऊपर हम इसको उस इस जो है वो गिवन f प्राइम ऑफ x है इसमें इंसर्ट करेंगे इसमें क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे ठीक है तो यहां पे मैं इसको अभी इंसर्ट करूंगा

positive for all for all all x belong to negative inf, delta x to 0 delta x is small number head. delta x is small number head because you you say chale simply f prime x is positive T K X F prime x is positive uh, at 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 chalein, f prime x is positive at x is sorry at at जीरो माइनस ई एड जीरो माइनस यही लिखते हैं ठीक है अच्छा जीरो प्लस ई के लिए जीरो प्लस एपसिलॉन के लिए देख लेते हैं ठीक है जीरो प्लस के लिए देख लेते हैं तो वो तो आ जाएगा जीरो इन टू आई मीन थ्री इन टू प्लस 3 थ्री इंटू एप्सिलोन स्क्स इन टू एप्सिलॉन माइनस सिक्स इंटू एपॉन ठीक है थ्री इंटू एपसिलॉन माइनस सिक्स इन टू एप्सिलॉन अब अगर आप इसको देख लें तो ये हमारे पास बन जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा ये इसकी फॉर्म आ जाएगी थ्री एप्सलॉन स्क् माइनस सिक्सलॉन थ्री एप्सलॉन स्क्र माइनस सिक्स एप्सलॉन देख लें तो ये हमारे पास इसको हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अगर आप यहां से थ्री एप्सलॉन कॉमन ले लें थ्री एप्सलॉन कॉमन ले लें तो आ जाएगा एप्सलॉन माइनस टू एप्सिलोन माइनस टू देखें इज अ वेरी स्मॉल नंबर बड़ा स्मॉल नंबर है ये तो जब स्मॉल नंबर से आप सेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव आंसर आएगा दैट मींस दिस दिस इज इज लेस 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 देन 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 अगर ये है है इसका मतलब है कि एट 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 नेगेटिव स्लोप क्या है एस नेगेटिव लेसन जीरो का मतलब है क्या है नेगेटिव इसका मतलब है कि हमने ऊपर डिफाइन किया था अगर स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव में शिफ्ट करे पॉजिटिव टू नेगेटिव में शिफ्ट करे यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव में शिफ्ट करे तो इसका मतलब है वो जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा यानी x to, x 0 जो है दिस इज ए रिलेटिव मैक्सिमम ये क्या है रेलेटिव मैक्सिमम अब रेलेटिव मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए आप थ्री प्लस थ्री माइनस ठीक है थ्री माइनस एप्सिलॉन करें और थ्री प्लस एप्सिलॉन करें ठीक है और इसके ऊपर डेरिवेटिव यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ थ्री माइनस एप्सिलॉन और एफ प्राइम ऑफ थ्री प्लस एप्सिलॉन फाइंड आउट करें अगर आपका आंसर जो है वो न, नेगेटिव टू पॉजिटिव चला जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चला जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि x इज इक्वल टू थ्री जो है दिस इज इज अगर आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है वो स्विच होता है स्लोप स्विच होती है तो इसका मतलब है एक्स जो है एक्स वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा वो मिनिमम पॉइंट होगा अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है वो पर्टिकुलर पॉइंट रिलेटिव मैक्सिमम होगा